हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, यहाँ पर बज रहे थे सुबह के 5 और बिल्कुल अंधेरा ही था तब मैं उठी थी। एक्चुअली डेली इसी टाइम पे उठती हूँ, क्योंकि इससे भी पहले उठ जाती हूँ, कभी कभी 4:30 बजे ही उठ जाती हूँ। यहाँ से मेरे सारे काम शुरू हो जाते हैं, बट सबसे पहले ना 1.5 घंटा मैं अपने खुद के लिए देती हूँ, क्योंकि सारे काम तो दिन भर रहते ही है, बट खुद के लिए टाइम देना भी ज़रूरी होता है, अपने हेल्थ के लिए टाइम निकालना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले लेमन हनी वाटर लेती हूँ, तो पहले पानी गर्म करने के लिए रखती हूँ केटल में, उसके बाद अपना लेमन हनी वाटर रेडी करती हूँ, उसके बाद मैं निकल जाती हूँ वॉक के लिए। एक्चुअली वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी सेहत के लिए, या तो आप वॉक करो नहीं तो फिर कोई भी एक्सरसाइज करो। सुबह सुबह आप अगर खाली पेट कोई एक्सरसाइज करते हो या वॉक करते हो तो ये चीज़ आपको हेल्दी भी रखती है, और आप 1 घंटा तो खुद के लिए निकाल ही सकते हो एटलीस्ट। तो 1 घंटा दिन में खुद के लिए निकाल लिया करो, इससे ना आप दिन भर एक्टिव फील करोगे। और अगर आप थोड़ा सा जल्दी उठने की आदत डालते हो ना, तो आपको दिन भी थोड़ा सा बड़ा लगेगा और आपके सारे काम भी हो जाएंगे और आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा खुद के लिए। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी इसके लिए, और जल्दी सोया भी करो। क्योंकि मेरा क्या हुआ था कि पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा लेट सोती थी, आपके साथ शेयर भी किया था, बहुत लेट सोती थी वीडियो की वजह से। बट अभी मैं बहुत जल्दी सोती हूँ और बहुत जल्दी उठती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। तो इसीलिए मैं अपना यही आगे भी रूटीन रखने वाली हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा इसकी वजह से एक्टिव फील हो रहा है। और क्या बताऊँ आपको, बहुत सारे काम इजी हो गए हैं मेरे, मतलब जल्दी उठ रही हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम भी मिल रहा है, खुद के लिए भी टाइम मिल रहा है और फैमिली को देने के लिए भी टाइम मिल रहा है। तो बस यही मेरा रूटीन अभी आगे भी रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि लेट सोने और लेट उठने के जो नुकसान है ना, आपको क्या बताऊं मैं, मुझे बहुत सारे नुकसान झेलने पड़े इसके चक्कर में। सबसे पहला नुकसान तो मेरा ये हुआ कि मेरी नींद पूरी नहीं होने की वजह से मेरा वेट पुट ऑन होने लगा, और उसकी वजह से ना, जैसे कि लॉकडाउन में वो भी था कि बाहर भी नहीं जा पा रहे थे, तो उसकी वजह से ना तो वॉक कर पा रहे थे ना तो कुछ भी, तो और घर में इतना टाइम नहीं मिलता था। घर पे आपको पता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी दिन भर, इनकी तो ड्यूटी रहती थी बट बच्चे घर पे थे ना, तो उनकी दिन भर डिमांड रहती थी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, इसलिए पूरा दिन बिजी जाता था मेरा। अब तो घर पे रह के उनको भी आदत हो गई है, इसीलिए इतना कुछ लगता नहीं है। आपसे बातें करते करते मैंने यहाँ पर अपना लेमन हनी वाटर भी फिनिश कर दिया है, और चलिए अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, सुबह का बाहर का नज़ारा देख लीजिए। अभी भी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ है, अंधेरा ही, बट वॉक करके आती हूँ पहले, उसके बाद घर के काम शुरू हो जाएंगे, फिर क्लीनिंग वगैरह। तो चलिए वॉक करके आ जाती हूँ पहले। तो बस मैं अपनी यहाँ पर 1 घंटा वॉक करके आ गई थी और मेरी दिन की कामों की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले घर का काम होता है क्लीनिंग का ही, तो बस वही कर रही हूँ। सबसे पहले सोफ़ा क्लीन कर लेती हूँ, मतलब डस्टिंग जो होती है वो सोफ़े की वो कर लेती हूँ, उसके बाद जो डस्ट नीचे गिर जाती है उसके बाद मैं फर्स्ट क्लीन करती हूँ, मतलब जैसे कि झाड़ू मार लेती हूँ, उसके बाद पोछा मारती हूँ। तो यही होता है सुबह का काम मेरा। और हाँ, आपने अगर मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में शेयर किया है कि मैं मॉर्निंग में क्लीनिंग कैसे करती हूँ, मतलब पूरे घर की क्लीनिंग कैसे करती हूँ, तो आपको डिटेल में देखने के लिए वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ शॉर्ट में आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि अगर मैं पूरा दिखाती तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट में दिखाया है आपको कि मैं मॉर्निंग में क्लीनिंग कैसे करती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी वही क्लीनिंग चल रही है। जब तक घर ना क्लीन नहीं होता है तब तक तो मतलब ये होता है कि यार नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ है। जब पूरी क्लीनिंग हो जाती है तब लगता है कि नहीं, हाँ यार, सुबह के सारे काम हो गए हैं। और यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि आज मैं झाड़ू क्यों यूज़ कर रही हूँ, मैं तो वैक्यूम क्लीनर से करती हूँ। तो आप लोगों तो पता ही है कि मेरे पास 2 वैक्यूम क्लीनर है, बट मैं दिन में, मैंने आपको बताया भी है कि मैं एक बार ही वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ, एक बार मैं झाड़ू से करती हूँ, तो वो चाहे सुबह हो या चाहे शाम को हो। तो कभी सुबह मैंने झाड़ू से कर लिया तो मैं शाम को क्या करती हूँ, वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर लेती हूँ।
तो वो जो डस्ट होती है इधर उधर गई, वो डस्ट पूरी आ जाती है, कलेक्ट हो जाती है वैक्यूम क्लीनर में। और कभी मैंने सुबह वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर लिया तो मैं शाम को झाड़ू यूज़ करती हूँ। आज ना मैंने नाश्ते में उपमा बनाया था तो वही खा रही हूँ। अब जाके फुर्सत मिली है कामों से, मैं सोचा चलो नाश्ता कर लेती हूँ। पहले मैं नाश्ते में हमेशा उपमा या कोई सूजी से बनी हुई चीज़ खा लेती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है सूजी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और हेल्दी खाना भी चाहिए। स्पेशली जब आप दिन की शुरुआत कर रहे होते हो तब आपको हेल्दी ही खाना चाहिए, और हेल्दी खाने से ही आपकी दिन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये हेल्दी रखता है और आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाता है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप जो भी खा रहे हो वो आपके लिए उतना हेल्दी है भी या नहीं, मतलब जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, या आप कहाँ पर न्यूट्रिएंट में कम पड़ रहे हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ पर कम पड़ रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो, मेरी तरह आप ह्यूमन न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। इसको यूज करना बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपका वेट, आपकी हाइट, और आप ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हो, लंच में क्या खा रहे हो, इवनिंग स्नैक्स में क्या खा रहे हो और डिनर में क्या खा रहे हो, ये सब आपको इसमें डालना है। और इससे आपको पता चलेगा कि आपने दिन में कितना प्रोटीन और विटामिन इंटेक किया है और उतना आपके लिए सफिशियंट है भी या नहीं। RDA रिकमेंडेशन के हिसाब से न्यूट्रिएंट स्कोर आपको बताता है कि आपके डाइट में क्या और कहाँ कमी है, और हमें अपने खाने में और क्या क्या ऐड करना चाहिए जिससे हम अपनी प्रोटीन और विटामिन की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। हम सभी को पता है एक अच्छा आहार हमें हमेशा हेल्दी रखता है। और हाँ, ये जो कैलकुलेटर है आपको 30 डेज के लिए न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ से एक डाइट प्लान भी देता है, जो आपके वेट और हाइट को देखकर तय किया जाता है। और ये जो डाइट प्लान है आपको हर तरह से हेल्दी डाइट के लिए गाइड करता है, जो आपके मजबूत सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे तो ये ह्यूमन न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर बहुत ज्यादा पसंद आया, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप भी इसे यूज करना स्टार्ट कर दीजिए और हेल्दी रहिए। अगर आप में कोई न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है तो आप अपने डाइट में प्रोटीनेक्स का टेस्टी चॉकलेट भी ऐड कर सकते हो। इसमें आपको 10 टाइप्स के ह्यूमन न्यूट्रिएंट मिलेंगे जो आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करेंगे। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से 400 ग्राम का प्रोटीनेक्स टेस्टी चॉकलेट ऑर्डर करते हो तो आपको उस पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस कैलकुलेटर को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए और हेल्दी रहिए। एक्चुअली बहुत सारी मलाई इकट्ठा हो गई थी, मतलब ये जो है मलाई ये 15 दिन की मलाई है, तो अभी 15 दिन की मलाई का घी बन रहा है। बट मैं ना क्या करती हूँ, 8 दिन की मलाई जमा करती हूँ, और ना मेरे यहाँ पे दूध आता है बहुत अच्छा आता है, मतलब गाढ़ा आता है, तो इसी वजह से उसकी मलाई बहुत ज़्यादा निकलती है। और 8 दिन की मलाई का घी ना आधा के जी से ज़्यादा निकलता है, कभी कभी आधा के जी, कभी कभी आधा के जी से ज़्यादा निकल ही जाता है। और ये तो 15 दिन की मलाई है, इसका तो बहुत सारा निकलेगा, अभी 1 के जी तक तो निकल ही जाएगा इसका घी। आप लोग पूछ रहे थे कि मैं घी कैसे बनाती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट ना ऐसे ही कढ़ाई में डाल देती हूँ या पतीले में डाल देती हूँ एल्युमिनियम के, और बस उसे पका लेती हूँ और घी बना लेती हूँ। तो सिर्फ आपको मीडियम या लो फ्लेम पे रखना है उसे, और अच्छे से घी निकल जाएगा उसका। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है घी निकालने का। कुछ लोग उसका मक्खन बना के, मतलब जैसे मिक्सी में घुमा के और वो सारी चीज़ें करके, तामझाम करके उसका घी निकालते हैं, बट मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से घी निकालती हूँ, और इस तरीके से मेरा घी भी बहुत सारा निकलता है। अभी ये नीचे आपको दिख रहा है, इसका भी घी निकलेगा, बट मैं ऊपर ऊपर का जो है पहले निकाल लूँगी। और ये मतलब थोड़ा सा वाइट वाला घी है, और उसके बाद थोड़ा सा वो ब्राउन घी होगा, तो वो मैं दिए के लिए यूज़ करती हूँ, तो वो जो नीचे का है उसका भी घी निकलेगा। थोड़ी देर और पकने देना है उसे, और उसका भी घी निकलेगा। घी बन गया था और वो ठंडा होने के लिए भी रख दिया था मैंने साइड में। तो यहाँ पर मैं लंच के लिए बना रही हूँ अभी ग्रेवी वाली भिंडी। तो भिंडी मैंने ऐसे ही लंबी लंबी काट ली है, उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है रेड चिली, मतलब लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और कश्मीरी लाल मिर्च हो तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैंने नमक ऐड किया है, और उसके बाद 1 चम्मच ही बेसन ऐड किया है, 1 ही चम्मच बेसन ऐड करना है, छोटा वाला चम्मच, और बस उसको मिक्स कर लेना है अच्छे से, ताकि सारी भिंडी में ये सारा मसाला लग जाए अच्छे से। और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ये मसाले में इसे,
और बस यहाँ पर मैंने पैन चढ़ा दिया है। इसमें आप नॉनस्टिक पैन ही यूज़ करिए क्योंकि भेटी नहीं तो लग जाएगी नीचे, इसीलिए नॉनस्टिक पैन कोई भी आप नॉनस्टिक कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हो, नॉनस्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैंने भिंडी सारी डाल दी है उसमें और बस इसे अलट पलट करके इसे पकने देना है थोड़ी देर। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इसका कलर कुछ इस तरह से चेंज हो गया है। तो उसके बाद हम लोग इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड किया है और उसमें ना बारीक चॉप किया हुआ जो ऑनियन है वो ऐड किया है ऑयल में। तो और ये जो ऑनियन है वो मैंने चॉपर में चॉप किया था। चॉपर में चॉप अगर करते हो ना तो बहुत फाइन चॉप होता है, तो इसी वजह से मैं चॉपर में ही चॉप करती हूँ ज़्यादातर। तो बस यहाँ पर प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया था, उसके बाद मैंने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो वो भी गोल्डन ब्राउन होने तक आपको वेट करना है ताकि उसकी कच्ची स्मेल चली जाए। इसको अच्छे से भून लेना है और उसके बाद हमें उसमें ऐड करने हैं मसाले, मतलब बेसिक से मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। जीरा पाउडर नहीं, सॉरी, जीरा पाउडर मैंने साबुत जीरा ही ऐड किया है तो जीरा पाउडर नहीं ऐड करूँगी, धनिया पाउडर और गरम मसाला। ये बेसिक से मसाले ऐड करने हैं, उसके बाद अच्छे से भून लेने हैं मसाले। मैंने ऐड किया है टोमेटो का, मतलब टोमेटो भी फाइन चॉप किया हुआ, एकदम फाइन चॉप किया हुआ टोमेटो ऐड किया है, वो भी मैंने चॉपर में ही चॉप किया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया उसमें ताकि हमारा टोमेटो जल्दी गल जाए, तो इसके लिए नमक ऐड किया है। और आप देख सकते हो ऑयल छोड़ने लगा है मसाला। उसके बाद ना वही चॉपर में मैंने दही फेंट लिया था। एक्चुअली दही आपका ताज़ा होना चाहिए, बिल्कुल खट्टा नहीं दही चाहिए इसके लिए। और अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है, खटास ज़्यादा नहीं पसंद है, तो आप टोमेटो ऐड मत कीजिए, डायरेक्ट दही ऐड कर दीजिए। और बस दही आपको फेंटा हुआ चाहिए इसके लिए सिर्फ, और बस दही को भी अच्छे से चला लेना है ताकि ये भी दही भून जाए अच्छे से और आपका जो मसाला है वो तेल छोड़ने लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब मीडियम फ्लेम पर आपको भूनना है, हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है। तो यहाँ पर मेरा मसाला तेल छोड़ने लगा था, तो मैंने जो फ्राई की हुई भिंडी है वो उसमें डाल दी है और उसके बाद अच्छे से चला लेना है। और आपको थोड़ा सा गर्म पानी इसमें छोड़ देना है। तो पहले मसाले में भिंडी होने देनी है, मतलब थोड़ी देर अगर आप भिंडी होने दोगे मसाले में तो भिंडी के अंदर मसाला चला जाएगा और उसके बाद उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो उसके बाद आपको पानी, गर्म पानी उसमें ऐड करना है। और आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कैसे चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप थोड़ा सा पतला भी रख सकते हो, थोड़ा सा गाढ़ा भी रख सकते हो, तो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है कि आपको कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपनी कंसिस्टेंसी रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी रख सकते हो। और बस ढक्कन रख के थोड़ी देर पका लेना है। और यहाँ पर मेरी जो ग्रेवी भिंडी है वो रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा और पानी चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा था, बट जाने दीजिए, कोई बात नहीं, आप डाल दीजिएगा थोड़ा सा और पानी उसमें, मतलब ग्रेवी थोड़ी सी बन जानी चाहिए। तो बस यहाँ पर मेरा लंच रेडी हो गया है, तो अब कर लेंगे हम लोग लंच। तो डायरेक्टली मिलती हूँ लंच करने के बाद आपसे। लंच वगैरह हो गया है और घी ठंडा हो गया होगा, तो घी डाल देती हूँ वो भी कंटेनर में। और ये ना शेजवान चटनी की भरनी है, मतलब ये शेजवान चटनी ख़त्म हो गई थी तो मैंने ये वॉश की है अच्छे से, अब इसमें घी भर के रखूँगी। और घी बहुत सारा निकला है, सारा निकला है घी, तो 1 kg तो हो गए। ये 15 दिन की मलाई थी, तो 15 दिन की मलाई का मैंने इतना सारा घी निकाल लिया, एक्चुअली इससे भी ज़्यादा है, बट ये नीचे नीचे रहता है ना, तो इसका ये मैंने निकाला है, मतलब थोड़ा सा ये ब्राउन हुआ है, इसी वजह से ये इसमें नहीं ऐड करूँगी क्योंकि ये भी ख़राब हो जाएगा, नहीं तो ये दिया लगाने में काम आएगा। और कढ़ाई भी जल गई है मेरी, क्योंकि ना आपकी गैस का जो फ्लेम है वो मैंने हाई पे रखा था और उसकी वजह से ये कढ़ाई जल गई है। मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में कढ़ाई जला दी, अभी ये कढ़ाई थोड़ा सा चम्मच से घिसनी पड़ेगी और उसके बाद साफ करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत जाएगी इस कढ़ाई में। चलिए अभी घी डाल देती हूँ इसमें। चलो पूरी भरनी भर गई है, अभी रख देती हूँ इसे। पिछली बार जब किया था तो ये वाली भरनी भरी थी और अभी ये वाली भर गई है। पिछली बार ये 1/2 kg का निकला था, ये गोवर्धन की भरनी में डाला था मैंने, और अभी ये वाली शेजवान चटनी वाली भरनी में डाला है। यहाँ पर हो गई है डिनर की तैयारी। तो एक्चुअली मैंने ये दाल बनाई है, सिंपल सी ही दाल बनाई है, सुबह की भिंडी बहुत सारी थी तो इसीलिए ये मसूर की दाल बनाई है, सिंपल सी दाल तड़का।
तो आप लोगों को तो पता ही है, मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर की है इसकी, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज रेसिपी शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रेसिपी शेयर नहीं की। तो बस यहाँ पर पापड़ भून लूँगी, उसके बाद हम लोग डिनर कर लेंगे। और आज डिनर में है भिंडी की सब्जी मतलब ग्रेवी वाली, और रोटी दाल ये तड़के वाली, और उसके बाद पापड़ वगैरह ये सारी चीज़ें। अद्वीक यहाँ पर ना ये कपड़ों का स्टैंड लाया है, क्योंकि फैन ऑन करेंगे तो ये कपड़े भी सूख जाएंगे, इसी वजह से यहाँ पर लाया है। एक्चुअली ये ऊपर रहता है, आप लोगों को तो पता ही है, ऊपर के रूम में रहता है, तो ये नीचे लाया था आज कपड़े सुखाने के लिए। तो बारिश की वजह से अंदर लाया है और अभी यहाँ पर ही रख दिया, क्योंकि ऊपर लेके जाने का मन नहीं कर रहा था इतना, मतलब सीढ़िया चढ़ने का, तो इसीलिए यहाँ पर रख दिया। कल तक सूख जाएंगे ये कपड़े सारे। और हाँ, अभी बज रहे हैं 10। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये था मेरा 5 बजे से लेके 10 बजे तक का रात का रूटीन, मतलब आज फुल डे रूटीन मैंने आपको दिखाया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे 2 और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय माही, बाय कर दो बेटा, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट फॉर ड्रीम्स। अद्विक पता नहीं कहाँ गया है, अद्विक को भी लेके आओ, अद्विक भी बाय करेगा। अद्विक कार्टून आ गया, देखो अद्विक भी बाय करेगा। अद्विक चलो बाय करो, बाय, टेक केयर, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, चलो बाय बाय बाय।